हे गाइस, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग स्टडी स्किल सक्सेस। तो यार, गवर्नमेंट की तरफ से एक बिगेस्ट एंड लेटेस्ट अपडेट आया है कि यूजीके और पीजीके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स थे उन सभी एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। और इस वीडियो में उससे रिलेटेड हम पूरी जानकारी जो है वो देखने वाले हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे नीट एंड जेई को लेकर भी कि नीट एंड जेई को लेकर लेटेस्ट क्या अपडेट आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले देखें तो ये जो न्यूज़ है वो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए। तमिलनाडु ने जो अपने जितने भी यूजी एंड पीजी के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे फाइनल ईयर को छोड़कर, उन सभी एग्ज़ाम्स को जो है वो कैंसिल कर दिया है, और कैंसिल करके स्टूडेंट्स को जो है वो प्रमोट करने का फैसला लिया है। इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दी गई है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते एजुकेशन सेक्टर जो है वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कोरोना काल में परीक्षाएँ आयोजित कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़कर सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों के सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिए हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़कर सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा पास करने का जो निर्णय है वो लिया है। और PIB इन तमिलनाडु में जो ट्विटर अकाउंट है उन पर ये ट्वीट जो है वो भी किया गया है। ऑफिशियल रूप से ये इन्फॉर्मेशन है, PIB इन तमिलनाडु के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाकर भी इस ट्वीट को आप देख सकते हैं। आगे की अगर बात की जाए तो बोला गया है कि तमिलनाडु में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। इन स्टूडेंट्स को सीधे तौर पर अगले ईयर में प्रमोट किया जाएगा। छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC और ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक दिशा निर्देशों यानी कि गाइडलाइंस के अनुसार अंक जो है वो दिए जाएंगे। अब UGC की जो रिवाइज्ड गाइडलाइन आई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो UGC ने रिवाइज गाइडलाइन में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सितंबर तक एग्ज़ाम कराने के लिए कहा है। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से किए जा सकते हैं। UGC की नई गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि बैकलॉग वाले छात्रों को एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा। वहीं अन्य जो स्टूडेंट्स सेप्टेम्बर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए बाद में एक स्पेशल जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी आयोजित करवाएगी। और गाइज, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो हाई कोर्ट तक चले गए हैं, क्योंकि उनका बोलना है कि जब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम सेप्टेम्बर में करवाना ये पॉसिबल थोड़ा नहीं होगा। तो गाइज, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन गाइज, यार अगर जेई एंड नीट की बात की जाए तो अभी तक ऑफिशियल रूप से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो जेई एंड नीट को लेकर नहीं आई है। जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है तो उस इन्फॉर्मेशन को हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।